हम बनाने जा रहे हैं मसूर का दाल। तो मसूर का दाल का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं दाल, और दाल बनाने के लिए हम ले लिया है मसूर का दाल। भेज थाली है या कोई भी विंटर स्पेशल थाली है, दाल के बिना कुछ भी रेसिपी अधूरा रह जाता है। तो इधर हमने वन हैंडफुल मसूर दाल को रात भर भिगो के रख दिया, और ये स्प्लिट किया हुआ मसूर दाल है। मसूर दाल के अंदर ढेर सारे प्रोटीन है, तो मसूर दाल हम बनाएंगे। और ये मसूर दाल को हम पहले बॉईल करके उसका ऊपर तड़का नहीं लगाएंगे, पहली तड़का लगा के हम डालेंगे और प्रेशर कुकर में दाल को बनाएंगे। इधर हमने ले लिया है चॉप किया हुआ ऑनियन, चॉप किया हुआ हल्का सा टमाटर एंड चॉप किया हुआ ग्रीन चिली। और दाल के अंदर पौष्टिकता और बढ़े इसलिए हमने ले लिया है ग्रीन चिली एंड लहसुन का पेस्ट। ले लिया है हमने घी, घी से दाल का स्वाद अच्छा आता है, और गार्निश के लिए धनिया तो रहेगा ही। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डाल देंगे इसके अंदर तेल। तो दाल बनाने के लिए ज़्यादा तेल नहीं लगता है, बस थोड़ा सा तेल काफ़ी है। तेल डालने के बाद आप चाहे तो इसके अंदर कुछ भी अगर आप खड़ा मसाला डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, तो हम नहीं डाल रहे इसके अंदर। पहली हम इसके अंदर डाल देंगे जो है हमारा लहसुन, एक बड़ा टीस्पून का लहसुन हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे हमारा दाल का स्वाद जो है वो एकदम बढ़िया आएगा। तो लहसुन हमने डाल दिया, देखिए आप देख सकते हैं लहसुन हमने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये जो चॉप किया हुआ मसाला है, मतलब प्याज टमाटर वगैरह, इसको हमने डाल दिया है। और डालने के साथ ही हम इसको चलाते रहेंगे जैसे मसाला ना गले। दाल के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ हल्का सा जो नमक जाएगा, हल्का सा हल्दी पाउडर जाएगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। मैंने डाल दिया हल्का सा, देखिए रेड चिली का पाउडर डाल दिया, हाफ टी स्पून जैसे हल्दी पाउडर, ठीक है। और कुछ भी नहीं इसके अंदर लगेगा। हमने इसके अंदर ऑब्वियसली डालेंगे घी, तो घी से इसके अंदर दाल के अंदर एक बढ़िया स्वाद आएगा। तो देसी शुद्ध घी जो है उसको हमने डाल दिया। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, क्योंकि एक बार प्रेशर कुक करने के बाद ही हमारा दाल तैयार हो जाएगा, और उसके अंदर ज़्यादा कुछ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। सारे सब कुछ हमने डाल दिया है। आप डालने के साथ ही देखिए ऐसे ही हम वेजिस को फ्राई करेंगे। देखिए ऐसे ही हम वेजिस को फ्राई करेंगे। तो वेजिस को ऐसे ही लगातार फ्राई करने दीजिए। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर दाल डालेंगे, और दाल डालने के बाद सीटी लगाने के बाद ही हमारा दाल तैयार हो जाएगा। तो देखिए इधर हमारा जो मसाला है अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं ये वाला दाल। इसको एक बार एक सीटी लगाएंगे और बन जाएगा हमारा गर्मा गर्म मसूर का दाल। दाल डालने के बाद एक बार हमें स्टार करना पड़ेगा। देखिए ऐसे ही हम इसको स्टार कर लिया, और स्टार करने के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो ऐसे ही हमने इतना सा पानी हमने डाल दिया जैसे हमारा जो दाल है वो गाढ़ा बने। नमक वगैरह सब कुछ हमने ऐड कर दिया है, अब सिर्फ दाल को बनाने की बारी है। प्रेशर कुकर को लॉक कर देते हैं, और उससे पहले हम इसके ऊपर डाल देते हैं ये वाला धनिया। जितना सा धनिया था हमने डाल दिया, देख सकते हैं। तो धनिया हमने डाल दिया है। अब हम इसको लगाएंगे ढक्कन, और प्रेशर कुकर मोड पे दे देंगे, और प्रेशर कुकर करेंगे एक बार तैयार हो जाए, उसके बाद दाल का टेक्सचर आप लोगों को दिखाते हैं। तो इधर हमने बना लिया है गर्मा गर्म मसूर का दाल, एकदम भरपूर तरह से तैयार हो गया है। अब चलिए बाकी का रेसिपी शुरू करते हैं। अब हम बनाने जा रही है पूड़ी। घड़ेला जो आटा और गेहूं है उससे साथ थोड़ा सा मैदा मिला के हम इस पूड़ी को बनाएंगे। तो चलिए पूड़ी बनाने का रेसिपी शुरू करते हैं। पूड़ी बनाने के लिए इधर हमने ले लिया है कड़ा, एक फ्रेश वाला कड़ाई हमने ले लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल, हमें ऑयल की ज़रूरत है, तो ऑयल हम डालेंगे। जितना सा ऑयल है उतना सा ही डाल देंगे।
अगर बचा हुआ हो जाए तो हम ऑयल को निकाल लेंगे। तो ऑयल के गर्म करने के बाद हमने मैनुअल मोड पे डाल दिया है पूरी को तलने के लिए। और पूरी के लिए जो आटा ठूसते हैं और जो पूड़ियाँ बनाते हैं उसको तो आपको आता ही है आप लोगों सबको, तो इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए नहीं दिखाया। ये देखिए हमने ये जो नॉर्मल वाला आटा का पूड़ी वही बना रहे हैं। तो आप चाहे तो पूरा जो मैदा है उसका पूड़ी बना सकते हैं, पर इसके अंदर हमने थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा गेहूँ का आटा और मैदा दोनों को मिला के हमने पूड़ियों को बना लिया है। इतना गोल गोल पूड़ियाँ है। अब चलिए पूड़ी को तैल लेते हैं। तो तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है ऑलरेडी। अब हम तेल के अंदर एक एक करके पूड़ियों को डालेंगे। वाओ, अच्छे से देखिए तेल के अंदर डालते ही ये फ्राई होना शुरू हो गया है। इसको फ्राई होने दीजिए। तो अच्छे से एक तरफ फ्राई हो जाए उसके बाद हम दूसरा तरफ को निकालेंगे। और ऑयल के अंदर अगर कुछ भी स्पैचुला आप लोग यूज़ करें तो ध्यान रखना चाहिए कि ऑयल के अंदर कुछ पानी वगैरह ना जाए। ऐसे ही हम पूड़ियों को तैलेंगे। देखिए ऐसे ही अब इसको हम चला देंगे ऊपर हाथ में और इसको ऐसे ही तैलेंगे। देखिए पूड़ियाँ कितना फूली फूली और अच्छी बन रही है। तो ये हमारा सर्दियों का स्पेशल राजशाही थाली है। तो राजशाही थाली के लिए हमने ऐसे ही बस गर्मा गर्म पूड़िया तैल रहा है। आपको ठीक से दिखाते हैं कैसे पूड़िया हम तैल रहा है। गर्म तेल में ऐसे ही आप पूड़ियों को लेटा दीजिए। पहले इसको अच्छे से कुकने दीजिए, उसके बाद इसको बस ऐसे ही खिलौना की तरह चलाते रहिए स्पैचुला की मदद से, और इसके ऊपर गर्म तेल डालते रहिए। इससे डालते से क्या होगा, देखिए ऊपर से पूड़िया जो फूलने लग गई है। तो पूड़िया तभी फूलेगा जब नीचे से तेल ऊपर में जाएगा। बंगाली में एक बात है कि लुची किंतु सवार हाथे फूले ना। तो पूड़िया जो है वो सबके हाथ में फूलता नहीं है। देखिए कितनी अच्छे से फूल गया है। शायद मेरा आज किस्मत ही अच्छा है कि इतना अच्छे से फूल रहा है। और जो पूड़िया का जो फूलना है वो कभी कभी किस्मत के ऊपर भी खड़ी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बार बार कोशिश करने जाए पूड़िया फूलते नहीं है। और एक पूड़िया आपको तैयार कर दिखाते हैं। ये आटे वाले पूड़िया है फिर भी इतना सुंदर बन रहा है। ऐसे ही देखिए पूड़ी को ऐसे ही खिलौना की तरह तेल के अंदर नहलाते जाए। थोड़ा सा ये नहल जाए उसके बाद ही इसके ऊपर हम तेल को ऐसे ही चलाते रहेंगे। उसके बाद देखिए पूड़िया कितनी अच्छे से फूल रहा है। देखिए वाओ, बढ़िया तरीके से पूड़िया फूल गया। अब हम पलट देंगे इसको और इसके ऊपर तेल को बस ऐसे ही चलाएंगे। देखा, आज तो हमारे हाथे लुची फूले गए से। तो देखा तो पूड़िया हमने ऐसे ही फूला फूला के बना लिया। तो चलिए ऐसी पूड़िया को तैल लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल दिखाते हैं। तो इधर हमने बना लिया है गर्मा गर्म पूड़ी। अब चलिए ये लास्ट रेसिपी था। अब चलिए कैसे हम सर्विंग करते हैं हमारा विंटर स्पेशल राजशाही थाली, चलिए उसको देख लेते हैं। बन गया हमारा विंटर स्पेशल राजशाही थाली। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है थाली। ये थाली को हमने हमारे माँ ने हमारे शादी में दिया था। इस थाली में आज हम ब्लॉग बना लिया और इतना सा अच्छा थाली का रेसिपी मेरा चैनल में पहली बार है। इधर देखिए आप देख सकते हैं, इधर हमने बना लिया है वेज पुलाव, इधर है आलू शिमला मिर्च मसाला कड़ी, और इधर है हमारा आलू अंडा मेथी मसाला, और इधर है हमारा मसूर वाली दाल, ये है गर्मा गर्म पूड़ी, ये है आलू मेथी ड्राई, ये है आलू बीन्स मसाला, और देखिए हमने जो कंचा का बर्तन है इसके अंदर सर्व किया है, और इधर है हमारा सुट्टी पपड़ी की भजी।
तो इधर हमारा सारा रेसिपी बनके तैयार हो गया है। कैसा लगा है मेरा रेसिपी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। इधर हमने बना लिया है बासमती राइस का जो स्टीम राइस बनता है, हल्का सा घी और धनिया देखे हमने इसको गार्निश कर दिया। ये है पनीर वाला वेज पुलाव। सब रेसिपी मेरा चैनल में कभी ना कभी आया है पर पहली बार इतना सब रेसिपी हमने एक हाथ में बनाया है, वो भी आप लोगों के खातिर, क्योंकि ढेर सारा सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जल्दी जल्दी में एक थाली का रेसिपी आनो, कि विंटर के बगैर इतना सा वेजिटेबल्स का वेराइटी कहाँ मिलेगा। और इतना सा वेजिटेबल्स का वेराइटी लेके आप लोगों के सामने हमने आज लेके आ गया है थाली। कंप्लीट हो गया है हमारा थाली का रेसिपी। मेरे साथ रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, जैसे मैजिक मोमेंट चैनल सबसे आगे रहे। धन्यवाद, नमस्कार। विंटर स्पेशल राजशाही थाली के अंदर रहेगा सारे विंटर का वेजिटेबल्स। जैसे इधर ले लिया है हमने आलू शिमला मिर्च का मसाला करी, ये है मेथी अंडा मसाला, ये है सब्जी वाला मसूर का दाल, ये है होममेड पूरी। और इसका अंदर आज मैं अपना रेसिपी कितनी अच्छे से बना लिया, बहुत ही आसानी से और एकदम घरेलू चीज से आप इस रेसिपी को घर पे बना सकते हैं, घर वाले को खिला सकते हैं, घर वाले बहुत खुश होगा। मेरा रेसिपी को जरूर एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल के मेंबर होने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं है आप लोगों को। बाय।